John Cena, Roman Reigns, Triple H, Seth Rollins, Randy Orton, The Undertaker, Brock Lesnar और Bobby Lashley 8 सुपरस्टार भिड़ेंगे फॉर द WWE स्पिनर चैंपियनशिप। इनके बीच में होंगे 4 क्वार्टर फाइनल्स और इन विनर्स के बीच में होंगे 2 सेमीफाइनल्स और उन विनर्स के बीच में होगा 1 फाइनल और जो भी विनर फाइनल जीतेगा उसको मिलेगा WWE स्पिनर चैंपियनशिप। तो लेट्स गो, मैच नंबर 1, ट्रिपल एच वर्सेस सेथ रॉलिंस। मैच के शुरुआत में ही सेथ रॉलिंस ने डोमिनेट करके शुरू किया था, सीधा एक DDT देकर ट्रिपल एच को। एक पॉइंट ऐसा आ चुका था कि मुझे लगा कहीं ट्रिपल एच ये मैच सस्ते में ना हार जाए, बट फिर होता है ट्रिपल एच का कमबैक। ट्रिपल एच चोक कर देते सेथ रॉलिंस को और वो इस मैच में कमबैक कर ही लेते पंचेस के साथ में। और जैसे ही ट्रिपल एच थोड़ा सा कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, सेथ रॉलिंस इज ऑलरेडी फॉर हिज फिनिशर, रन अप लेते हैं एंड कर्व स्टॉर्म 1-2 एंड ही मिसेस। सेथ रॉलिंस सीधा टॉप रोप के ऊपर जाते हैं, क्या ये हिट कर पाएंगे, वो भी रिवर्स में। रिवर्स एंड डॉच कर दिया भाई ट्रिपल एच ने एंड अभी ट्रिपल एच जाएंगे पेडिग्री के लिए, क्या पेडिग्री बैठ पाएगी, बट नहीं, रॉलिंस ने उसको ब्लॉक कर दिया है। व्हाट अ गेम वी आर हैविंग, क्लोज लाइन देते हुए यहाँ पर सेथ रॉलिंस और यहाँ पर ट्रिपल एच एक और पेडिग्री का ट्राई करेंगे एंड ही हिट्स इट 1-2 एंड ही मिसेस। और ये सेथ रॉलिंस यहाँ पर सेटअप करते हुए ट्रिपल एच को, क्या अनोखा करेंगे सेथ रॉलिंस यहाँ पर फिर से एक बार कर्व स्टॉर्म देते हुए ट्रिपल एच को। भाई साहब क्या ये इनफ होगा, 1-2 एंड भाई साहब किक आउट, दोनों भी अपना बेस्ट देते जा रहे हैं और यहाँ पर सेथ रॉलिंस पेडिग्री देंगे उनका ही मुंह पर, वो लॉक कर दिया है, वो ब्लॉक कर दिया है ट्रिपल एच ने, क्लोज लाइन में उसको कन्वर्ट कर दिया। ट्रिपल एच रेडी है एक और पेडिग्री के लिए, ट्रिपल एच जाते हुए यहाँ पर एक और पेडिग्री के लिए और ये ब्लॉक कर दिया है सेथ रॉलिंस ने। व्हाट अ गेम, क्लोज लाइन दे दी है सेथ रॉलिंस ने और सेथ रॉलिंस भागते हुए यहाँ पर कर्व स्टॉर्म के लिए। कर्व स्टॉर्म, क्या ये इनफ होगा ट्रिपल एच को हराने के लिए, आई गेस हो तो जाना चाहिए। गोस द पिन 1-2 एंड 3, सेथ रॉलिंस जाते हुए अपने पहले सेमीफाइनल में। वी हैव आवर फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट, हिज नेम इज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो गाइस पहला क्वार्टर फाइनल हो चुका है और अभी दूसरा क्वार्टर फाइनल होने वाला है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में। मैच के शुरुआत में ही जॉन सीना एक लीड लेने की कोशिश करते हैं और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, पर तुरंत ही रैंडी ऑर्टन का काउंटर आ जाता है एंड रैंडी ऑर्टन इज बैक इन दिस गेम। रैंडी ऑर्टन स्टन हो चुके हैं एंड जॉन सीना इज गोइंग फॉर द STF। STF सबमिशन में पकड़ लिया है रैंडी ऑर्टन को, क्या रैंडी ऑर्टन यहाँ पर सबमिट कर देंगे, देखने वाली बात होगी क्या वो सबमिट करेंगे, पर नहीं, जॉन सीना को इस सबमिशन होल्ड ब्रेक करना पड़ा और शायद रैंडी ऑर्टन RKO के लिए जाएंगे और RKO यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जॉन सीना और सीधा स्प्लैश मार दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन जाएंगे टॉप रोप के ऊपर, क्या ये मुंह हिट होगा, बिल्कुल हिट होगा, इज इट इनफ, 1-2 एंड ही किक्स आउट, डोंट डू इट रैंडी। भाई ये मैच यहाँ पर खत्म हो सकता है, क्या ये RKO बैठ पाएगा, RKO, what a move, that was stun हो चुके हैं जॉन सीना, 1-2 एंड गाइस ओ भाई साहब जॉन सीना ने लास्ट सेकंड के ऊपर किक आउट कर दिया, मैन व्हाट अ मैच। गाइस यहां पर दूसरी बार लगातार रैंडी ऑर्टन सेकंड टाइम सुपर RKO ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द मैच। यहां पर दूसरा सुपर RKO होता है, RKO, आई गेस दैट्स इट गाइस, यहां पर ये गेम खत्म हो जाना चाहिए। 1-2 एंड भाई रोप ब्रेक, भाई जॉन सीना ने रोप्स पकड़ लिए, अभी जॉन सीना ने थर्ड रोप के ऊपर रैंडी ऑर्टन को डाल दिया, क्या वो एक सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे। व्हाट अ गेम, क्रेजी मूव्स यहाँ पर, क्या AA बैठ पाएगा एंड इट्स अ सुपर AA, आई गेस गाइस दैट्स इट, हियर गोज द पिन, 1-2 एंड वो किक्स आउट, व्हाट, पर जॉन सीना एक और चार्ज अप AA के साथ तैयार, यहां पर AA जाता हुआ, इज इट इनफ, 1-2-3, दैट्स इट, जॉन सीना इज द विनर। जॉन सीना जाएंगे सेकंड सेमीफाइनल में। अभी तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा बिटवीन द अंडरटेकर एंड ब्रॉक लेसनर। मैच के शुरुआत में जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ब्रॉक लेसनर सीधा सुफ्लेक्स के लिए जाएंगे, भाई साहब व्हाट अ मूव, और उसको ब्लॉक कर दिया है ब्रॉक लेसनर ने, इज गोइंग फॉर द सुफ्लेक्स, भाई साहब, क्योंकि यहां पर एक और सुफ्लेक्स आता हुआ, सुफ्लेक्स सिटी में एंटर कर चुके हैं अंडरटेकर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर फिर से एक बार सुफ्लेक्स सिटी में लेके जाएंगे उनको। ये पहला सुफ्लेक्स आता हुआ, भाई साहब यहां पर ट्रिपल सुफ्लेक्स के लिए जाएंगे, दूसरा सुफ्लेक्स एंड यहां पर आएगा तीसरा सुफ्लेक्स और यहां पर अंडरटेकर गोइंग फॉर द टूमस्टोन पाइल ड्राइवर, विल हिट इट, हिट्स द टूमस्टोन पाइल ड्राइवर, पर रोप्स के पास है अंडरटेकर, रोप्स के पास है, वो रोप ब्रेक हो जाएगा
पिन होगी ही नहीं क्योंकि रोप ब्रेक होगा। भाई साहब फिनिशर वेस्ट कर दिया यहाँ पर अंडरटेकर ने, ओ माय गॉड। और ब्रॉक लेसनर यहाँ पर उठ गए और एक और सुफ्लेक्स के साथ पटक दिया अंडरटेकर को। और यहाँ पर ओल्ड स्कूल जाते वो अंडरटेकर सीधा थर्ड रोप के ऊपर, लेट्स गो ओल्ड स्कूल बेबी। अंडरटेकर थर्ड रोप के ऊपर से कूट दिया है ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर स्टंड 1 2 एंड ही किक्स आउट। यहाँ पर अंडरटेकर एक और टूम्बस्टोन के लिए रेडी होते हुए, पर उसको ब्लॉक कर दिया ब्रॉक लेसनर ने एंड ब्रॉक लेसनर ने उठा लिया है फॉर F5। विल ईट इट, विल ईट द F5, what a move, 1 2 and kick out। और गाइस यहाँ पर अंडरटेकर पूरी तरीके से डोमिनेशन की मोड में, पर ब्रॉक लेसनर ने पकड़ लिया उनको। पहला सुप्लेक्स आता हुआ, आई गेस फिर से एक बार ट्रिपल सुप्लेक्स बैठने वाले, ये दूसरा सुप्लेक्स आता हुआ एंड यहाँ पर तीसरा सुफ्लेक्स, सुफ्लेक्स सिटी। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का एक फिनिशर आ चुका है, ही इज गोइंग फॉर द F5। क्या ये F5 बैठ पाएगा, ये थर्ड F5 होगा इस मैच का F5। आई गेस दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, ये गेम तो खत्म है। 1 2 एंड 3, व्हाट। और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने सीधा हेड के ऊपर पंच दे दिया है, ये पंच कितना भारी पड़ेगा। और यहाँ पर खून खून हो चुके हैं अंडरटेकर, यहाँ पर ट्रिपल सुफ्लेक्स के लिए आते हुए काफी ज्यादा खून निकल चुका है अंडरटेकर का। और ये थर्ड सुफ्लेक्स, आई गेस गाइस दैट्स इट, क्योंकि काफी ज्यादा खून निकल है ब्रॉक लेसनर ने इस गेम में। 1 2 एंड 3। तो गाइस हमें हमारे दूसरे सेमीफाइनल के पहले प्लेयर मिल चुके हैं और उनका नाम है ब्रॉक लेसनर। चलो नेक्स्ट मैच होगा रोमन रिंग्स वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में। एंड गाइस मैं इस गेम में 100% रोमन रिंग्स को बैक कर रहा हूँ, क्योंकि रोमन रिंग्स को आई डोंट थिंक बॉबी लैशली हरा पाएंगे। यहाँ पर गाइस बॉबी लैशली जाते हुए थर्ड रोप के ऊपर एंड ही हिट्स इट, ही हैज रोमन रिंग्स ऑन इट्स शोल्डर्स और ये हिट कर दिया है। पर ये इतना इनफ नहीं होने वाला क्योंकि वो रोमन रिंग्स है, पर भाई साहब क्या ही बॉडी स्लैम दिया है। पर मुझे अभी भी लग रहा है भाई साहब सबमिशन होल्ड में पकड़ लिया है रोमन रिंग्स को। क्या रोमन रिंग्स सबमिट करेंगे एंड यहाँ पर रोमन रिंग्स क्या सबमिट कर रहे हैं, नहीं ही इज ट्राइंग टू ब्रेक द सबमिशन होल्ड एंड ही ब्रेक्स इट। यहाँ पर गाइस रोमन रिंग्स की वापसी होते हुए विद द सुपरमैन पंच और आई गेस अभी स्पीयर का टाइम आ चुका है। रोमन रिंग्स इज गोइंग फॉर दैट स्पीयर, क्या हिट कर पाएंगे। बॉबी लैशली स्टंड है and he goes for a spear, 1 2 and kick out and Bobby Lashley यहाँ पर अपना finisher मारने के लिए ready हो चुके हैं। क्या वो lock कर पाएंगे Roman Reigns को, जी हाँ उन्हें lock कर दिया, second time guys same finisher लगा है। क्या ही बुरी तरीके से पकड़ लिया है Roman Reigns को, क्या ये match खत्म होगा, बिल्कुल नहीं। Roman Reigns ने submission hold को break कर दिया और यहाँ पर जाता है वो suplex, will he hit it, he has him in position as spear, 1 2 and kick out, what guys, I guess it's time कि Bobby Lashley अपना signature move दे, he has him set up, पूरी तरीके से सेटअप कर लिया है, रोल कर लिया है एंड गाइस रोमन रिंग्स ने उसको DDT में कन्वर्ट कर दिया। Will he get it, 1 2 एंड kick out, भाई कैसे गाइस Bobby Lashley के पास एक फिनिशर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। Will he go for it? He has gone for it. Roman Reigns को submission में पकड़ लिया guys, ये third submission है and Roman Reigns has tapped. Roman Reigns has tapped. The tribal chief has tapped. भाई साहब I can't believe it. And we have our last and fourth semi-final is Bobby Lashley. And quarterfinals guys खत्म हो चुके हैं और अभी चलूंगे semi-finals. So let's begin game number 1. Seth Rollins versus John Cena. Seth Rollins ने सीधा छाती में kick दे दी है John सीना के, पर यहाँ पर जॉन सीना से काउंटर आता हुआ एंड हियर गो जॉन सीना। क्या करेंगे जॉन सीना इस मैच में कमबैक करने के लिए, रोल अप कर लिया है एंड व्हाट अ एक्सेलेंट मूव दैट वाज। यहाँ पर जॉन सीना फुल ऑन पावर्ड अप, यू कैन सी मी का टॉन्ट करते हुए, क्या ये मूव बैठ पाएगा एंड हियर ही गोज फाइन नकल शफल, बैठ चुका है। जॉन सीना बोल रहे खड़े हो जाओ आप, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने कैच कर लिया है भाई जॉन सीना को और सीधा बॉडी स्लैम दे दिया है। विल ही गो फॉर हिज फिनिशर, वी विल हैव टू सी, ही इज गोइंग फॉर इट, ही इज गोइंग फॉर इट एंड दैट्स अ कर्ब स्टॉम्प, 1 2 एंड जॉन सीना किक्स आउट। जॉन सीना इज स्टिल इन दिस गाइस, ये मैच काफी ज्यादा इंटेंस होता हुआ। यहाँ पर फाइट जो है वो रिंग के बाहर जा चुकी है भाई, फ्लाइंग रॉलिंस। यहाँ पर सेथ रॉलिंस अंदर नहीं आ रहे तो जॉन सीना ही रिंग के बाहर चले गए और सीधा स्टील स्टेप्स के ऊपर। क्या करेंगे जॉन सीना, जॉन सीना इज गोइंग फॉर दैट STF। क्या सेथ रॉलिंस को टैप करना पड़ेगा इस मूव से, सेथ रॉलिंस ने सबमिशन होल्ड ब्रेक कर दिया है। वाओ थर्ड रोप के ऊपर, विल ही हिट इट एंड हिट्स इट, नेक के ऊपर गाइस इस मूव का इंपैक्ट बैठता है। विल ही गेट इट, 1 2 एंड किक आउट गाइस। जॉन सीना इज गोइंग फॉर द सुप्लेक्स एंड ही हिट्स इट, जॉन सीना भी सुप्लेक्स मारने लग चुके हैं, ही इज गोइंग फॉर दैट सुपर AA वंस अगेन, ही हैज इट ऑन हिज शोल्डर्स, विल ही हिट इट
He hits it. Kya ye pin ho jayenge? I guess that's it. 1, 2, and 3. Guys, John Cena is the winner. Hame hamare pehle finalist mil chuke. John Cena seedha ja rahe WWE Spinner Championship ke finals mein. Aur abhi is match mein jo bhi jeetega, wo unhe join karega seedha finals mein. So here we go. Do bade bade chattane ek dusre ke saath takrane wale hai. Yahan par Bobby Lashley ne dominate kiya hai start mein hi. Bobby Lashley ne utha liya hai Brock Lesnar ko aur seedha third rope ki knuckle ke upar patak दिया है Brock Lesnar को. स्टार्टिंग में डोमिनेट करना इतना इजी नहीं है. I was just saying and Brock Lesnar is back in this game. Bobby Lashley ने उठा लिया पर काउंटर कर दिया उस मूव को Brock Lesnar ने. And welcome to Suplex City. क्या ही Suplex था ये दूसरा belly to belly Suplex. ये reverse Suplex था guys. अगर तुम लोग ने ठीक से देखा क्या एक तीसरा Suplex third Suplex आता हुआ body running slam आता हुआ यहाँ पर. Suplex नहीं तो running slam दे दिया है. Bobby Lashley यहाँ पर उठ चुके हैं. And what will Bobby Lashley do? Belly to belly suplex. Bobby Lashley भी इस गेम में suplex मार सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया है. Can Brock Lesnar का suplex आता हुआ. दोनों भी एक दूसरे के चीथड़े उड़ाने को रेडी. बट स्पीयर सबमिशन होल्ड में पकड़ लिया है Bobby Lashley ने. क्या Brock Lesnar इसको सर्वाइव कर पाएंगे? एंड Brock Lesnar ने काउंटर कर दिया है गाइस. क्या ये हिट कर पाएंगे? बिल्कुल हिट कर पाएंगे. F5 आता हुआ. आई गेस दैट्स इट. 1, 2, and kick out. Bobby Lashley भी डोमिनेट कर रही है. He is going for that signature move. Will he hit it? He hits it. 1, 2, and he misses. He has him in the submission hold. यहाँ पर Brock Lesnar ने उठा लिया है for an F5. ये होगा उनका तीसरा F5. ये बैठ चुका है. Is it enough? I guess guys that's it. Here goes the pin. 1, 2, and 3. Brock Lesnar is our second finalist. The beast is in the finals. और इस मैच में हमने एक ट्विस्ट रखा है क्योंकि ये मैच होने वाला है एक TLC मैच, tables, ladders और chairs. तो देखते हैं कौन बनता है पहला WWE Spinner Champion. Let's go. Guys, मैच की शुरुआत में Brock Lesnar रिंग के बाहर आ चुके. He doesn't want to wrestle. पर एक लैडर तो रिंग में जाएगी. यहाँ पर belly to belly आता हुआ पहला सुफ्लेक्स यहाँ पर जॉन सीना को. यहाँ पर गाइस Brock Lesnar पहली लैडर लाते हुए गेम के अंदर. ये पहला वेपन आता हुआ इस मैच का. अभी Brock Lesnar खुद जाएंगे जैसे कि जॉन सीना तो अंधा है ना. जॉन सीना ने उस मुंह को भी ब्लॉक कर दिया है. एंड जॉन्स आई गेस गाइस Brock गिरेंगे. बिल्कुल Brock Lesnar नीचे गिरेंगे. जो भी लास्ट वाला लेवल क्लियर करेगा उसको मिलेगी चैंपियनशिप बेल्ट. और यहां पर गाइस जॉन सीना सीधा बेल्ट के साथ. भाई सब क्या ही इंपैक्ट हुआ होगा. Brock Lesnar ने चेयर निकाल दिए भाई यार. स्टील चेयर आ चुकी है गेम के अंदर. एंड जॉन सीना ने उसको जैसे तैसे करके ब्लॉक कर दिया. आई गेस हमने जो देखा था उसका रिप्ले मिलने को देख सकते हैं. फिर से एक बार जॉन सीना लटके हुए. एंड रिप्ले ऑफ दैट सेम मूव. गाइस यहां पर जॉन सीना ने चेयर उठा लिया. एंड चीप शॉट यहां पर दूसरा ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया. ब्लॉक कर दिया और भाई सीधा लैडर ही उड़ा दिया Brock Lesnar ने. और लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ जॉन सीना. लुक एट दैट स्ट्रेंथ. एंड यहां पर STF के लिए जाते हुए. इस गेम में कोई भी टैप आउट वगैरह नहीं होता. जो डैमेज होगा Brock Lesnar को वो काफी बुरा वाला होने वाला है. विल ही गो फॉर द F5? नहीं, ही इज गोइंग फॉर द बेली टू बेली सुप्लेक्स. जॉन सीना इज बैक ऑन द लैडर. क्या Brock Lesnar नीचे जाएंगे या फिर जॉन सीना नीचे जाएंगे? देखने की बात होगी. जॉन सीना स्टंट और वो नीचे जा चुके हैं. कितने लेवल्स क्लियर हो चुके हैं? 1, 2, 3. यहाँ पर फोर्थ लेवल क्लियर होता हो, फिफ्थ लेवल क्लियर होता हो. यहाँ पर क्या सिक्स वाला कर पाएंगे? सिक्स लेवल क्लियर होता हो. सिर्फ गाइज दो लेवल्स. गाइज सिर्फ एक लेवल क्लियर करना है अभी. जो भी है भाई सब Brock Lesnar इज हैंगिंग. Brock Lesnar वॉज हैंगिंग टू दैट लैडर. इज ही डूइंग इट? ही इज डूइंग इट. उन्होंने Brock Lesnar को सेटअप कर दिया है. ही इज गोइंग फॉर दैट सुपर ए. विल हिट इट? विल ही हिट इट? ही हैज हिम ऑन हिज शोल्डर्स. एंड हियर ही गो. सुपर ए बैठ चुका है. अभी बस लैडर लगा के जॉन सीना को ऊपर चढ़ना है और चैंपियनशिप को सिर्फ टच करना है एक लेवल क्लियर करके. एंड ही विल बी द चैंपियन. एंड गाइस आई गेस दैट्स इट फॉर Brock Lesnar. उनकी यहाँ पर गेम खत्म हो चुकी है क्योंकि वो नहीं उठ पा रहे. और जॉन सीना को बस और बस एक लेवल क्लियर करनी है. एंड ही हैज डन इट. ही हैज रिमूव्ड द चैंपियनशिप. जॉन सीना इज द चैंपियन. द चैंप इज Here, let's go guys, John Cena is the winner. So guys, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. सी यू.